श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 8 अगस्त सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। जिस भी माता और बहनों के संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह खास उपाय बताए हैं जो कि विश्वसनीय है। आप चाहें तो इन्हें सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहला उपाय गुरुदेव कहते हैं, आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेते हुए एक बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर देनी है। इससे जो है कभी भी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। खासतौर पर सोमवार का दिन पड़ रहा है तो आवश्यक रूप से यह कार्य करके देखिएगा। दोबारा से बता रही हूँ, तुमरुका जी का नाम लेते हुए एक बेलपत्री आप सभी जानते होंगे अशोक सुंदरी की स्थान पर जो है आप सभी को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो है झोली पसार कर माँ अशोक सुंदरी से अपने मन की बात कहनी है कि हे माँ, मेरी इस तरह से परेशानी आ रही है, इस परेशानी को आप दूर कीजिए। सबसे पहला उपाय यह है जो विशेष रूप से फल देने वाला होता है। दूसरा उपाय गुरुदेव बताते हैं, रजोधर्म की समस्या आपकी जो है संतान उत्पत्ति से संबंधित समस्या हो रही हो या वंश वृद्धि की समस्या हो रही हो, तो आवश्यक रूप से किसी भी दिन सावन में कर सकते हैं या अन्य दिनों में माँ मातंगी का नाम लेते हुए, देवी मातंगी जैसे कि आप जानते ही होंगे माता रानी के 9 रूपों में से एक है, उनका नाम लेते हुए एक लाल पुष्प आप सभी को माता रानी के कोई भी स्वरूप हो वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, गाय के घी से माँ के चरण धो लेने हैं। ध्यान रखिए, गाय का घी सबसे शुद्ध बताया जाता है प्रत्येक पूजा पाय और उपाय आदि कार्यों में। जब ये गाय के घी से आप माता रानी के पैर धो लेंगे, तब उसमें से थोड़ी सी मात्रा लाकर उसे रोज जो है अपना जो भी आप भोजन लेते हैं उसके साथ ग्रहण करना है, अर्थात उसे खाना है। इससे भी संतान संबंधी परेशानी सभी दूर होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है, तीसरा गुरुदेव का उपाय इस प्रकार से है, जैसे कि सावन महीना चल रहा है तो शास्त्र कहते हैं कि शिवपुराण में खासकर वर्णन है, जो महिला जो पुरुष जो है एक बार आवश्यक रूप से जीवन में बेलपत्री के वृक्ष को आरोपण करते हैं, खासतौर पर शिव मंदिर के आसपास, जो उसमें से निरंतर बेलपत्री भगवान शिव को समर्पित होती है या छाया भक्तों के ऊपर पड़ती है, तो वह निरंतर जैसे जैसे पेड़ की वृद्धि होती है, आपके ग्रह दशाएं मजबूत होने के साथ साथ वंश वृद्धि जो रुक रही है या वंश जो नहीं बढ़ रहा है उससे जो है आगे बढ़ने में यह मदद करता है, अर्थात वंश वृद्धि होती है, साथ ही पितरों का भी इससे आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी जीवन में धन संबंध या वंश वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं तो यह सबसे उपाय है। सावन के महीने में आवश्यक रूप से शिव पुराण में वर्णित इन कार्यों में से कुछ कार्य आवश्यक रूप से करें। खासतौर पर यह सावन की एकादशी जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आवश्यक रूप से इस कार्य को कर आप अपने वंश वृद्धि की समस्या को रोक सकते हैं। हर हर महादेव। जय माता दी।